Okay. जय सच्चिदानंद गीत मारे गाऊंजे दादानु गीत मारे गाऊंजे प्रेमनो अमृत पाऊंजे गीत मारे गाऊंजे दादानु गीत मारे गाऊंजे भक्ति रस मा बूझे दादानु गीत मारे गाऊंजे दादानु गीत मारे गाऊंजे भव सागर मा नैया मारी डोले सामे किनारे मारे जाऊंचे सामे किनारे मारे जाऊंचे दादानु गीत मारे गाऊंजे जीवन मारो बनियो वकारो जीवन मारो बनियो वकारो चरण मारे मुझे दादानु गीत मारे गाऊंजे दादानु गीत मारे गाऊंजे दादा तमारी आज्ञा मारहिने ज्ञानामृत मारे दीऊंजे ज्ञानामृत मारे पीऊंजे दादानु गीत मारे गाऊंजे दलित रागिणी दीक्षा पामी दलित रागिणी दीक्षा पामी दादा से दादा के मारे थाऊंजे दादानु गीत मारे
છે નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોયે સવ સાહુણમ એસો પંચન મુકારો તવ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિ પરમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ હા જય સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન આપ મુજે એસી શક્તિ પ્રદાન કરે કે મેં અપની હેલ્થ કો કભી ભી કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું તાકિ મેરા શરીર રૂપી સાધન મુજે મેરે ધ્યેય કો યાનિ કિ પઢાઈ મેં ઓર સત્સંગ મેં સહાયક હો મેં પઢાઈ મેં બિલકુલ સિન્સિયર રહુંગી મેં બુરી સોબત સે કુસંગ સે કાયમ દૂર રહુંગી ઓર કુછ ભી હો મેરા સત્સંગ કભી ભી ના છૂટે એસી પ્રાપ્ત મન વચન કાયા કા યોગ ઓર અપની આત્મા કા ઉપયોગ કેવળ પરોપકારી યાનિ કિ જીવ માત્ર કિ સેવા મેં કરું જો કિ સબ માનવ ધર્મ હૈ मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ व्यवहार में नैतिक शुद्ध और प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे दुष्ट व्यक्तित्व का मान बनाऊ हे दादा भगवान आपके जय अपने माता पिता के साथ अहंकार से बात नहीं करूं कृपया मुझे इस संबंध में आनंद आंतरिक शक्ति सच्चिदानंद पुणे हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराएं आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जय सच्चिदानंद ओके निवनजी दीदी दिव्या हे दादा भगवान हे दादा भगवान फिर भी है कच्चे
ओके बच्चे लोग ओके आज हम थोड़ा सीआईडी वर्क करेंगे और तीर्थ तो बहुत सीआईडी बड़ा सीआईडी है इंडिया का राइट तीर्थ नहीं ओ हमने ऐसा गलत सोचा दीपक प्रदीप दादा ओ वो सीआईडी बहुत देखते हैं इसलिए हमने सोचा वो सीआईडी बन गया ओके आज हम सीआईडी का वर्क करेगा ओके अब वी हैव सेड 25 दफा टोटल सत साधन करने का है ओ नहीं पाया कराया जाता है क्यों ओके आपका स्केड्यूल कितना है ऐसा नहीं है कि सब सुबह खत्म कर देगा क्योंकि वो 10 त्रिमंत्र बोलते हैं सुबह शाम को बोलने का होता है ओके खाते पहले त्रिमंत्र बोलने का होता है तो सारा दिन तो कुछ नहीं होता है तो आपका क्या स्केड्यूल है कुछ नहीं क्यों नहीं बनता है आपको आइदर करने का नहीं है ऐसा बोलो टाइम नहीं मिलता ऐसा बोलो जो कुछ है वो आज प्रदीप दादा को सब कुछ बता दो क्योंकि ये मुश्किल है 25 करने का दिन में ओके तो आप एक एक जो बताओ जल्दी जल्दी और तीर्थ गुम हो गया ओके शिवा दीदी सच्चिदानंद मुझसे कीर्तन भक्ति नहीं होती है क्योंकि मुझको चूक जाती है और मैंने आज सत्साधन पूरे किए थे नहीं क्यों छूट जाती है कीर्तन भक्ति टाइम नहीं मिलता है नहीं हाँ। करने का है नहीं ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता है ओके एक आया शुया लिखो आप नहीं करने का है देयर इज नो अदर एक्सक्यूज कुछ ही चिनाई जोर से बोलो हाँ मुझसे सत्साधन में त्रिमंत्र चुप जाता खाना खाने के वक्त उस समय मुझे याद आता है पर चोर आ जाता है नहीं बोलने का आपको याद नहीं आता है राइट और आपको करने का नहीं है खाना याद आता है हाँ तो क्योंकि खाने का होता है ओके विधि दीदी जरा लिखना श्रेया को टाइम नहीं है करने का नहीं है खुशी को करने का नहीं है भूल जाती है और करिश्मा यस जय सच्चिदानंद टुडे आई हेल्प माय मॉम टुडे आई नॉट डिड त्रिमंत्र ओ व्हाई यू डिड नॉट डू फुल कलम ओके करिश्मा शी डजंट वांट टू डू इट मोनिका दीदी हाँ जय सच्चिदानंद मैं सारे सत्संग करती हूँ सिर्फ नमस्कार विधि रह जाती है मुझे टाइम मिलता है बट मुझे नहीं करने का होता है ओके टाइम मिलता है नहीं करने का होता है क्या हाँ, बाकी रह जाता है सिर्फ नमस्कार विधि में आ जाते हैं कौन सा विधि नमस्कार विधि नमस्कार विधि तो 10 मिनट में हो जाता है सारे नमस्कार दीदी मन नहीं लगता है दरअसल ना अपने खुशहाल जय सच्चिदानंद मेरे सारे सत्साधन हो जाते हैं बस कभी कभार नमस्कार दीदी रह जाती हूँ कीर्तन भक्ति जय सच्चिदानंद टाइम नहीं मिलता है छूट जाती है क्यों छूट जाती है
सारा दिन तो मस्ती करते, सारा दिन तो बहुत मस्ती करते है दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरी कीर्तन भक्ति और नमस्कार यदि ज्यादा छूटती है क्योंकि टाइम मिलता है, बट चोर आता है कितना नहीं। ओके, ये बहुत अच्छा किया, चोर आता है। खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे पढ़ाई के पहले प्रेयर करना भूल जाती हूँ। भूल जाती हो, नहीं करने का है, चोपड़ी पे लिखो, जिधर स्टडी करते हैं उधर लिखो प्रेयर 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 प्रेयर। हाँ क्या हाँ, नहीं करने का वो, दूसरा नहीं करने का। नवनीत दीदी आप तो बहुत सिंसियर है क्योंकि मासी और मम्मी आपको करवाते हैं, राइट? हाँ तो ये देखो, ये मासी और मम्मी साथ में करते हैं प्रहार। हाँ जय सचिदानंद रश्मि दादा, जय सचिदानंद, आज मैंने नहीं सुनाई जाता है प्रहार, अब सुनाई दिया? हाँ बोलो जोर से। हाँ जय सचिदानंद, आज मैंने मेरा सत्साधन में नव कलम और कीर्तन भक्ति रह जाती है, पर आज मैंने आज की बात मत करो, आज की बात करो, आज की बात मत करो, जनरलिटी बोलो। और क्यों छूट जाती है, क्यों छूट जाती है, क्यों छूट जाती है, रह जाती है, रह जाती, क्यों? नहीं करने का है, दूसरा नहीं करने का है। अव्यय रजनी दादा बोलो। आज मैंने 100 टाइम सुपर ब्रेन योगा किया। ओ नहीं, इम्पोर्टेंट है अभी सत्साधन का, इम्पोर्टेंट। अव्यय जय सचिदानंद, करता हूँ पर कभी कभी मेरी कीर्तन भक्ति छूट जाती है। क्यों, टाइम नहीं मिलता है? नहीं टाइम तो मिलता है पर चोर आ जाता है। चोर, ओके। अभी तकसीबा। हाँ जय सचिदानंद, मैं जब सत्साधन करती हूँ तो मेरा उसमें कीर्तन भक्ति छूट जाती है, और कभी कभार नमस्कार विधि में श्रीमद स्वामी को 40 टाइम्स करने का छूट जाता है। तो देखो ये कीर्तन भक्ति तो कभी भी कहलते चलते, हम बाहर जाते हैं तो कीर्तन भक्ति शुरू कर देते हैं, पर मैं रात को सो जाती हूँ बोलते वक्त। इसकी बात नहीं है इतना सी बात, जस्ट लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, डोंट गिव मी योर रिस्पॉन्स। कभी भी हलते चलते तो आपकी बहन के साथ ही 10 मिनट कर सकते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। करने का हो तो, करने का हो तो दरअसल। जय सच्चिदानंद, मेरी कीर्तन भक्ति रह जाती है और मैंने पूरा सत्साधन किया था। क्या बोला? मेरी कीर्तन भक्ति रह जाती है क्योंकि मतलब मुझे आलस आ जाती है कि मतलब अभी नहीं करना बाद में करना है, पर आलस आ जाती है पर वो बाद में। ओके अभी कौन बाकी रह गया? ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, I have follow 6 columns out of 9. I jumped 50 out of 100 ropes. I did 30 minutes of English. I broke first column, fourth column and fifth column with mummy. No, पहले बोलो ये सत्साधन आप regular करते हैं क्या? नहीं कभी कभी कीर्तन भक्ति छूट जाती थी पहले, पर अब होती है 2 दिन से। क्यों छूट जाती है? पहले आलस आती थी अकेले करने में, बट अब फुल फैमिली साथ में करते हैं तो अब अच्छा लगता है। दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे पूरे सत्साधन होते हैं लेकिन नमस्कार विधि में एक एक ही बार करती हूँ, 40 टाइम्स नहीं करती हूँ। नहीं आप तो यू आर ओके, यू आर सिंसियर इन दैट, क्योंकि मोस्ट 99.9% आप करते हैं तो बहुत बड़ी बात। ओके अभी कौन बाकी रह गया? जिया
जिया प्लीज. ओके ओके प्रदीप दास, आपने सुना ये सब. टाइम तो है करने का नहीं है, चोर आते हैं, आलस आती है. और एक मिनट, इम्पोर्टेंस क्या बताया? कीर्तन भक्ति नहीं करता है उसके इम्पोर्टेंस क्या बताया था? श्रेया, आपके पुत्र ने क्या बोला था? दरअसल क्या बोला था आपके पुत्र ने? कीर्तन भक्ति का महत्व क्या है? कीर्तन भक्ति का महत्व है कि उससे हमारे चित्त की एकाग्रता भी बढ़ती है और हमारे अंतराय टूटता है. और आपके लिए क्या होता है? अंतराय की बात छोड़ो, आपकी बात बोलो ना, स्टूडेंट की बात करो. हमारे लिए चित्त की एकाग्रता बढ़ती है कि जिसे हम जो पढ़े वो इजीली याद रह जाता है. स्टडीज में क्या हेल्प करता है? कितना दफा प्रदीप दादा ने बोला है बोलो विधि? हाँ, हमारे अंदर अंदर के दादा भगवान का मतलब प्रकट होता है कीर्तन भक्ति बोलने से. तो क्या हो गया प्रकट होता है? मतलब चित्त की एकाग्रता और सब कुछ बढ़ता है उससे. वही है, पढ़ने में कम टाइम लगता है चित्त होता है तो. नवकलम कौन नहीं करता? ये करिश्मा नहीं करते, दूसरा कौन नहीं करता नवकलम? सब करते नवकलम. ओके, नमस्कार विधि में चोरी. ओके प्रदीप दादा, अभी कुछ आपने बात कर, अभी कुछ बातें करो बच्चे लोग को. दादा भगवान असीम जय जयकार हो. ये आ वर्ल्ड मा पहली वक्त हिंदी हिंदी पहली बार ये वर्ल्ड में स्वरूप की कीर्तन भक्ति खुली हुई है ऐसे दादा भगवान बताते थे. आज तक ये भक्ति की जरूरत नहीं थी या थी वो अलग बात है, लेकिन ये 11वां आश्चर्य है कि स्वरूप की कीर्तन भक्ति है, ये किसी दूसरे भगवान की भक्ति नहीं है. इसलिए दादा भगवान ने सभी आपता पुत्रों ने एक बार एक आपता पुत्रों ने पूछा कि ये दादा भगवान का असीम जय जयकार है क्या? तो दादा ने एक ही शब्द में बता दिया कि ये आपको अनुभव से पता चलेगा कि ये क्या चीज है. तो ये हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख वाला परम ज्योति स्वरूप जो भगवान बैठे हैं, उनकी खुद की भक्ति है. एम पटेल के अंदर पूर्ण रूप से प्रकट हो गए थे और हमारे अभी पूर्ण रूप से प्रकट करने का बाकी है. इसलिए दादा भगवान कहते थे इससे तो बहुत सारे घने बादल और भारी कर्म भी जो कर्म का उदय हो तो वो भी एकदम पहाड़ जैसा हो तो कंकर बन के गिरेगा. आपको समझ में आया? उसका बहुत महत्व है. इसीलिए हमें कीर्तन भक्ति तो जब भी टाइम मिले, हर रोग की राम बाण दवा है ये. कोई भी संजोग हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, शरीर का हो, कुछ भी हो, लेकिन जो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, जो दिल से बोलेगा, उनका काम हो जाएगा. ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ बातें नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस मेरा समय जैसे गुजरता है, कई कई ऐसे संजोग आते हैं, लेकिन ये असीम जय जयकार हो बोलने से कैसे कैसे संजोग में से मैं निकलता हूं और ये काम होता जाता है. मैं आप सबको प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये असीम जय जयकार तो छोड़ने जैसी चीज नहीं है.
ये अपना बहुत काम कर देगी, आप समझे। वो दादा भगवान ने एक ही शब्द में बताया कि आपकी डिग्री पूर्ण होती जाएगी, बाकी तो बहुत सब कुछ बोला है, आप समझे। तो असीम जनेकर प्लीज आप बोलो तो बहुत अच्छा है, आपको खुद को अनुभव होता जाएगा, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा तो ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी। बराबर ने, कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? हाँ लगेगा। बराबर, तो हर प्रकार की मुसीबतें, हम जब कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो कभी भी किसी वक्त क्या कहां से कैसे आ जावे तकलीफ पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन हर उम्र के हिसाब से लोगों को टेंशन, वरीज, नेगेटिविटी रहती है और परेशान करती है कि नहीं? हाँ। आपका खुद का मन आपको परेशान करता है कि नहीं करता है? हाँ, करता है। आपके अंदर की सब सिस्टम ऐसी है, इसीलिए दादा भगवान का असीम जयकार जितना बोलेगा, जो भी बोलेगा उनका काम हो जाएगा, आप समझे। तो आप ये मत छोड़ना, दादा भगवान ने तो यहाँ तक बताया था कि अगर आप 8-10 मिनट बोलोगे कंटिन्यूस तो फिर बाद में अमृत बिंदु टपकेगा। अमृत बिंदु समझ में आता है? अंदर खुद का सुख की अनुभूति होगी आपको। ये सभी जो दादा भगवान ने जो कुदरती ये सब हुआ है, वो खुद कहते थे, मैं खुद मेरे अंदर बैठे हुए भगवान का असीम जयकार बोलता हूं। एम पटेल क्या बोलते थे, ज्ञानी पुरुष, कि मेरे अंदर प्रकट 360 है फिर भी मैं असीम जयकार बोलता हूं, ऐसा ऐसा करके। क्यों? क्योंकि मैं 4 डिग्री फेल हो गया। तो आप लोग कितनी डिग्री फेल हुए आपको पता है? हम तो पूरे फेल ही हैं। पूरे नहीं, मतलब हम कुछ समझ ही नहीं है हमारे पास एडम। इसलिए दादा भगवान का असीम जयकारो बोलने जैसा है, जाने अनजाने में कोई बोलेगा तो काम हो जाएगा। ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, खुद ने खुद की भक्ति की है और वो सिखाते हैं कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान की भक्ति करो, ये स्वरूप की भक्ति है। आप लोग बोलते हो ना, जो पढ़ने में बाधाएं आते हैं, अंतराय आते हैं, ये होता है, वो होता है, तो कैसे दूर होगा अंतराय, कैसे जाएगा, बताए कैसे दूर होगी। तो दादा ने हर ये 5 जो पंचामृत दिया है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, प्रातः विधि, नवकल में असीम जयकार, ये सबके अंदर ऐसी ऐसी चीजें रखी है कि कल्पना ही नहीं करो, आप समझे। हाँ। तो जितना हो सके अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का, नक्की करने का कि मुझे बस ये परफेक्ट करना है। आप खाना खाने बैठते हो तो सिर्फ रोटी खा के खड़े हो जाते हो क्या? नहीं, के साथ में सब्जी भी खाते हो? सब कुछ खाते हैं। आम का रस भी खा लेते हो? हाँ। पकोड़े रखे हो तो भी खा लेते हो? अरे भाई रोटी अकेली खानी है मुझे, वो छोड़ दो ने, दूसरा नहीं खाना है। तो ऐसा पूरा, जैसे वो थाली में हर प्रकार की जो मिठाई, नमकीन, फरसान, जो कुछ भी है, दाल चावल है, इसी तरह ये पूरी पंचामृत जो थाली हमें मिली है, त्रिमंत्र, नमस्कार, सबका स्वाद है, क्या है, और सबकी मजा है, सबका फायदा है। इसमें भी नहीं बताया गया है, इसमें भावना बताई गई है, किसमें प्रतिक्रमण निकाय बताया गया है, आप समझे ना। हाँ। आप जरूर करने का डिसाइड करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, नक्की करो। अगर समझो आपको
समय की गड़बड़ी है तो आप साथ में नहीं बोल पाते हो, तो सुबह त्रिमंत्र करो, प्रातः विधि करो, फिर बाद में नमस्कार विधि करो, फिर नव कलमे करो, फिर असीम जय का करो। लेकिन पूरे दिन में ये अपना ऐसा अंदर से रखने का कि पूरे दिन में ये चीज मुझे कंप्लीट करना है। भगवान ने ऐसा पढ़ा नहीं बोला कि हैं क्या बोला प्रदीप दादा ने? अभी प्रदीप दादा ने ये बोला कि जो भी हम काम हमें करना, अगर वो हम दिल से बोलेंगे तो वो काम होगा हमसे, तो उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी है। ओके, तो अभी से तो अभी सच साधन रेगुलर करने का होता है। श्रेया, आप मम्मी के साथ नहीं कर सकते स्केड्यूल के साथ में करने का प्रहर? श्रेया स्केड्यूल में नहीं रख सकते मम्मी के साथ करने का? मैं करती हूँ, मम्मी के साथ ही करती हूँ, कीर्तन भक्ति मैंने मम्मी के साथ ही किया है। ओ, एक नक्की करो कि नहीं करेगा तो खाने का बंद। हाँ एक दिन मैं भी मम्मी के साथ ही करता हूँ। क्या बोला प्रहर? मैं भी मम्मी के साथ ही करता हूँ कीर्तन भक्ति। ओके, अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मम्मी नहीं बोले तो अपने को नहीं बोल लेगा? नहीं, अपने हो सके तो उनके साथ ही बोलना, लेकिन अपना अलग रखने का, अपने को जब भी समय मिले अपने अपना काम निकालना है, किसी का कंपनी मिल जावे तो अच्छी बात है, लेकिन मम्मी के साथ बोलो तो अगर शायद कोई काम की वजह से कोई ऐसी परिस्थिति आई तो मम्मी बिजी हो गई नहीं बोले तो मैं ऐसा हो सकता है ना कभी? कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने को उनके साथ में भी बोलने का और अपना प्राइवेट भी बोल लेने का, डबल बोलोगे तो फायदा अपने को ही है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये डेरी मिल्क में सबको अभी हैप्पी बर्थडे है तो मैं सबको डेरी मिल्क बांटता हूं, फिर दूसरी बार मैं सबको दूंगा तो लोगे कि नहीं लोगे आप? बोलो ना। हाँ। पहली बार लिया अभी मैं बोला रे लो ने यार, दूसरी बार कोई बात नहीं सबको देने का है, तो आप लोगे कि नहीं? देंगे। हाँ, तो हमने को खुद का इंडी को स्वतंत्र रखने जैसा है, आप समझे, सबके साथ बोलने का तो अच्छा ही है। ठीक है। हाँ। ओके, बच्चे लोग सब नक्की करो कि अभी सब सत्साधन करने का है। करिश्मा किसका टर्म है, किसका क्वेश्चन है? ओके, बोलो करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे ये कहना था कि कल से मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे लिख पाऊँ एग्जाम्स। दादा को प्रणाम करके जाना, मेरी प्रार्थना है दादा आपके आशीर्वाद देंगे, आपका काम हो जाएगा। हाँ? माँ बाप के आशीर्वाद पहले लेने का। हाँ, आजकल के बच्चे माँ बाप को भूल नहीं जाते ना आशीर्वाद लेने में? नहीं। ये भूल जाते हो? नहीं। हाँ, क्योंकि मम्मी कभी डांटती है, कभी पापा कुछ बोलते हैं तो फिर आशीर्वाद लेने का मन इतना नहीं होता है ना? होता है। मैं बोलता हूँ वो सही है ना? कभी कभार। इसीलिए पहले हमारे गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? माँ बाप। जो मम्मी पापा है वो हमारे सबसे श्रेष्ठ गुरु है, उनके आशीर्वाद उनका राजी प्रबोध लेने की जरूरत है। जरूर जरूर। हाँ चलो, जय सच्चिदानंद। दीदी आपको क्वेश्चन है? नहीं, मुझे ये कहना था कि जब बा दादा यहाँ नहीं होते हैं तो 10 मिनट से कीर्तन भक्ति होती है, और वो भी कभी कभी, जब से बा दादा है तब से 1 आवर डेली कीर्तन भक्ति करते हैं। हाँ, तो दादा उधर है वो ऐसे कर होगा कि नहीं होगा टाइम फिक्स कर देने का?
दादा का टाइम फिक्स है तो तब हम सब वहां पे चले जाते हैं। उतर जाते हैं उसके घर पे। ओके ओके वेरी गुड। बहुत अच्छा ओके। अभी अभी हम